हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट के बारे में। आखिर ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी करंट क्या है, कैसे काम करती है और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये डायरेक्ट करंट क्या है। गाइस, डायरेक्ट करंट वो है जो कि टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जो है कभी भी चेंज नहीं करती है। जबकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहती है, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। लेकिन गाइस, ये जो डीसी करंट होता है यानी कि डायरेक्ट करंट, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट करंट क्या है, और डायरेक्ट करंट के बाद आपसे पूछ लेता है कि आखिर इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो गाइस, इसका जो है कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो आप जो है इसका आंसर जीरो बता सकते हैं। आपके समझने के पर्पज से मैं आपको बताता हूँ कि डीसी करंट और एसी करंट में आखिर कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो डीसी करंट है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। सपोज मान लीजिए किसी पर्सन को एसी करंट लगता है तो वो कुछ दूर जा करके छिटक के वो गिर जाता है, लेकिन अगर किसी को लगता है ना तो वो जो है उसी जगह में जिस जगह में उसका बॉडी टच हुआ है उधर ही जो है वो चिपक के रह जाता है। उसका रीज़न ये है कि अल्टरनेटिंग करंट का जब हम लोग वेव डायग्राम देखें कि हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो एक तरफ और नेगेटिव हाफ साइकिल एक तरफ है, तो जब ये पॉजिटिव के तरफ हाफ साइकिल जाता है तो ये जो करंट इसका है वो जो है पीक पे चला जाता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल पे आता है तो वो जो है माइनस पे चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो बंदा जो है थोड़ी दूर में जा करके छिटक के गिर जाता है। लेकिन ये जो डीसी करंट है, ये डीसी करंट का वेव डायग्राम जो है वो लीनियर होता है और वो एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है, जिसके वजह से वहाँ पर जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, जिसके कारण वो बंदा जो है उधर ही चिपक के रह जाता है। अब गाइस, बात करते हैं ये जो डीसी करंट है इसका एग्जांपल क्या है सबसे बेस्ट। तो गाइस, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बैटरी। रियल लाइफ में हम लोग इसका यूज़ जो है बहुत करते हैं। गाइस, ये जो बैटरी, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम लोग इस दोनों टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करते हैं तो इससे जो है जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्ट करंट फ्लो होती है। गाइस, अब बात करते हैं आखिर ये जो डायरेक्ट करंट है इससे हम लोग किन किन जगह में यूज़ करते हैं। तो गाइस, आपको एक बात याद रखना है कि जहाँ जिस जिस जगह में बैटरी एज ए सोर्स के हिसाब से यूज़ हुआ है उस जगह में हम लोग डीसी करंट का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग घरों में जो इन्वर्टर का यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्ट करंट का यूज़ होता है। बाद एज ए अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी पैनल्स होते हैं, उस लोड सेंटर के जो पैनल होते हैं, उस पैनल में कंट्रोल सर्किट के लिए जो है 110 वोल्ट डीसी का यूज़ किया जाता है, जो कि हर एक इंडस्ट्री में 110 वोल्ट ही रहता है। कहीं कहीं जो है 220 एसी सप्लाई भी देखने को मिलता है। तो गाइस, लेकिन आज के टाइम पे जो है 110 वोल्ट डीसी का ही यूज़ किया जाता है। तो गाइस, मैंने अभी जो भी बातें बताया आपको वो जो है पूरा डीसी करंट से रिलेटेड है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।